ये तस्वीर नैमिष की है। प्यारी सी मुस्कान, चेहरे पर मासूमियत और गोल मटोल सा शरीर। खैर, अब नैमिष इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि बीते 21 नवंबर को सड़क दुर्घटना में नैमिष की मौत हो गई। ये घटना राजधानी लखनऊ की है। 10 साल के नैमिष एडिशनल SP श्वेता श्रीवास्तव के बेटे थे, जो सुबह घर से स्केटिंग करने के लिए निकले थे। घर लौटते समय जनेश्वर मिश्र पार्क के सामने तेज स्पीड से आ रही सफेद कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि नैमिष की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद कार चालक मौके से भाग गए। हालांकि घटना के दिन ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हादसे की खबर मिलते ही वहां कोहराम समझ गया। खैर, इस प्रकार की घटनाएं अब हम हर दूसरे दिन सुनते आ रहे हैं, जब वाहनों की तेज स्पीड की वजह से ना सिर्फ भयानक हादसे होते हैं, अपितु व्यक्ति की दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है। और इन घटनाओं से कई अहम बातें निकलकर सामने आती हैं, जैसे कि वाहनों की स्पीड, वाहन चालक की लापरवाही और साथ ही ट्रैफिक व्यवस्थाओं के नियम। चलिए आज इन्हीं अहम मुद्दों पर बात करते हैं जो सड़क दुर्घटनाओं का अहम कारण बनती है। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर होने वाली सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं तमिलनाडु में होती हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। इस साल भी उत्तर प्रदेश सड़क हादसों में शिखर पर ही रहेगा, क्योंकि 9 माह में ही पिछले वर्ष की तुलना में 6% तक घटनाएं बढ़ गई हैं। जान गंवाने वालों की संख्या 17,000 पार कर चुकी है। 32,684 घटनाओं में ही इतने लोग काल के ग्रास में समा चुके हैं, यानी हर दूसरे दिन सड़क हादसों में मौत हो रही है। परिवहन विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा के दावे और प्रचार कार्य कागजी नजर आ रहे हैं, जो धरातल पर भी कहीं नहीं दिख रहे। कमिश्नरेट ही नहीं, सभी मंडलों के सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े डरावने हैं, लेकिन लोग बेपरवाह होकर रफ्तार भर रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं यूपी की जनवरी से सितंबर तक की सड़क दुर्घटना की रिपोर्ट में। वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटना की संख्या 3,872 थी और वर्ष 2023 में बढ़कर 32,684 पहुंच गई। वहीं घायलों की संख्या पे अगर नजर डालें तो वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटना में घायलों की संख्या 21,267 थी, जो कि वर्ष 2023 में बढ़कर 22,866 हो गई। अब अगर मृतकों की संख्या पे नजर डालें तो वर्ष 2022 में रोड एक्सीडेंट में 16,787 थी, जो वर्ष 2023 में बढ़कर 17,403 हो गई। चलिए नजर डालते हैं उन वजहों पर जो सड़क दुर्घटना का कारण बन रही है। सबसे पहले, बिना हेलमेट के ड्राइविंग करना सबसे खतरनाक साबित हो रहा है। कार चलाते वक्त सीट बेल्ट का इस्तेमाल ना करना भी सड़क दुर्घटना को दावत देता है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि बाइक से हादसों में 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, क्योंकि वो बिना हेलमेट के थे। यातायात नियमों का पालन ना करना, लेन ड्राइविंग, गति सीमा और यातायात संकेतों का उल्लंघन, तेजी से विकसित हो रहे आधुनिक चिकने राजमार्गों पर अपनी स्वेच्छा से पार्किंग करना, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करने के कारण ध्यान भटकना भी सड़क दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण बन गया है। सड़कों और वाहनों की खराब स्थिति, दृश्यता, खराब सड़क की डिजाइन और उसी के साथ इंजीनियरिंग और खराब सामग्री और निर्माण की गुणवत्ता भी इन सब में शामिल है। विशेष रूप से तेज मोड़ वाली सिंगल लेन। केंद्रीय सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक भारत में सड़क हादसों में 12% की वृद्धि हुई है। वहीं जारी की गई रिपोर्ट में बढ़ रहे सड़क हादसों की वजह भी बताई गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सड़क हादसे की सबसे बड़ी वजह ओवर स्पीडिंग है। इसके अलावा लापरवाही से ड्राइविंग, नशे में ड्राइविंग करना और ट्रैफिक के नियमों को बिल्कुल अनदेखा करना, इन कारणों से सड़क हादसों में साल दर साल बढ़ोतरी हो रही है। इन सब के अलावा लोगों का ट्रैफिक नियमों को लेकर अवेयरनेस ना होना। भारत में सड़क दुर्घटनाओं के कारण अपने सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 3% तक का नुकसान होता है, जिनमें से अधिकांश को रोका जा सकता है। सामाजिक दृष्टिकोण से भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे सड़क दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु की वजह से गरीब परिवारों की लगभग 7 माह की घरेलू आय कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पीड़ित परिवार गरीबी और कर्ज के चक्र में फंस जाता है। इन सब के अलावा सरकार द्वारा और सड़क दुर्घटना को कम करने में आखिर कहां कमी रह जा रही है, चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी प्रकाश डालते हैं। जैसे पुलिस परिवहन विभाग द्वारा लाइसेंस देने में लापरवाही, वाहनों की फिटनेस ना देखना, लापरवाही से वाहन चलाने पर जुर्माना आदि पर त्वरित कार्रवाई ना करना, सड़क व नगर नियोजन की भी तमाम खामियां सामने आती हैं, जैसे कि चौराहों की डिजाइन, रंबर स्ट्रिप ना होना, पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ आदि की दिक्कत,
सिस्टम की अनदेखियों की वजह से भी रोड एक्सीडेंट में इजाफा हो रहा है। अब बात करते हैं सड़क दुर्घटनाओं को रोका कैसे जा सकता है और सरकार इस पर क्या कदम उठा रही है। तो यातायात नियमों का पालन करें, ओवर स्पीड से हमेशा बचें, यातायात सिग्नल और अन्य सड़क संकेतों का पालन करें, पीछे की ओर झुकना और आक्रामक पैंतरेबाजी सहित लापरवाह ड्राइविंग से बिल्कुल बचें। गाड़ी चलाते समय अपने फोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, खाना ना खाएं या अन्य ध्यान भटकाने वाली गतिविधियों में शामिल ना हो। वहीं सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए समय समय पर जागरूकता के साथ अहम निर्णय भी लिए जाते हैं, जैसे योजना स्तर पर सड़क सुरक्षा को सड़क डिजाइन का एक अभिन्न अंग बनाया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के चयनित हिस्सों का सड़क सुरक्षा ऑडिट किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन करने की सीमा 15,000 पैसेंजर कार यूनिट यानी कि PCU से घटाकर 10,000 PCU कर दी गई है। राज्य राजमार्गों के लगभग 52,000 किलोमीटर लंबे हिस्से को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने के लिए चिन्हित किया गया है, इत्यादि कदम उठाए जाते हैं। इन सब के अलावा एक नागरिक होने के नाते हम सबको ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही रोड सेफ्टी को लेकर लोगों में जागरूकता भी फैलानी चाहिए। चलते चलते आप सबके लिए एक सवाल, भारत में किस राज्य में दुर्घटना दर सबसे कम है? आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए और करते रहिए बातें यूपी की।